नमस्कार दोस्तों, आज दी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है ज्योतिष का। तो ज्योतिष के बारे में सबसे ज़्यादा हमें तो जानकारी नहीं, लेकिन हमारे साथ पंडित जी बैठे हैं, पंडित जतिंदर शर्मा जी, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है इनको। तो हम आज पंडित जी से पूछते हैं कि ये ज्योतिष है क्या और इसके क्या मायने हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सबके मन में एक प्रकार की शंका उत्पन्न होती है, क्या ज्योतिष सत्य है, क्या ज्योतिष से जीवन बदला जा सकता है, क्या जो ज्योतिषी कहते हैं वो सत्य होता है। तो इसका, इन सभी सवालों का जवाब जो है, जी हाँ, ज्योतिष सत्य है, ज्योतिष से जीवन बदला जा सकता है। ज्योतिष जो है वो मनुष्य की थर्ड आई है, तीसरी आंख है, और इसी से अनेकों प्रकार के लाभ जो है वो मनुष्य ले सकता है। मगर बात ये है कि आपको उसके लिए मिलना किसी ज्योतिषी से पड़ेगा। ज्योतिषी का अर्थ ऐसा नहीं होता कि जिसने कपड़े, जिसने वस्त्र पहन लिए अच्छे वो ज्योतिषी है, या जो दिखावे के वस्त्र पहने वो ज्योतिषी है। जिसे भी ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान है वो ज्योतिषी है। और ऐसा नहीं है कि जिसने ज्योतिष की बड़ी डिग्री की वही ज्योतिषी है। कुछ ज्योतिषी ऐसे भी हैं कि दिखने में अंगूठा छापे मगर वो ज्योतिष में माहिर इतने हैं कि आपके बीत चुके समय को नहीं, आपके आने वाले समय को आपको ऐसा बता सकते हैं कि आप जैसा सोच भी नहीं सकते। यदि मैं बात करूं कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष जो है वो सत्य शास्त्र का एक हिस्सा है। सत्य शास्त्र जो है उसके अनुसार जो ज्योतिष है वो मनुष्य के माता के गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में जब जीव का जन्म होता है उस समय जीव का विचरण कैसा है, उस समय मनुष्य माता के गर्भ में धीरे धीरे कैसे गति को, वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे लेकर जब मनुष्य का जन्म होता है वहां तक ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे वेद ग्रंथों में ये वर्णित है। और आज की साइंस जो ज्योतिष से हजारों साल पीछे है, ये दावा है कि ज्योतिष से जो साइंस है वो हजारों साल हमारे ऋषियों से, हमारे मुनियों से हजारों वर्ष पीछे है। ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए इस बात पे कि आज की साइंस जो है उसने इस बात को खोज लिया कि मनुष्य जो है सूर्य की रोशनी से भोजन पका सकता है, शक्ति का संचार कर सकता है, शक्ति उत्पन्न कर सकता है। मगर हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य सूर्य की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी भोजन पक सकता है। शक्ति तो चंद्रमा की रोशनी में भी है, बस फर्क ये है, अंतर ये है कि हमें उस बात का ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे है। आज हमारे लिए बड़ी आम सी बात है कि हमारे मोबाइल पे आकर के कोई भी मैसेज हमें कोई कहीं से भेजता है तो वो आकर के आपके मोबाइल पे उतरता है। दूरी कितनी है, हजारों गज, हजारों किलोमीटर से एक फोटो, एक तस्वीर, एक एमएमएस, एक मैसेज, एक वीडियो आपके पास आ जाता है तो आप हैरान नहीं होते। मगर जब हमारे पूर्वज, हमारे बड़े श्री तुलसीदास जी ने मेघदूत की बात की ही,
उन्होंने पत्र लिखे मेघ पे मेघ, बादलों पे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पत्र लिखे, मगर हमारे लोगों ने उसका मजाक बनाया कि ऐसा हो सकता है। मेघदूत जो है वो इसी MMS की कोई पुरानी कला थी, इस जो एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए बरती गई। हमारे बड़ी कंट्रियां जो हैं, वर्ल्ड की बड़ी कंट्रियां जो हैं, उन्होंने इन बातों को खोजा और उन्होंने साइंस को उत्पन्न किया। मगर हमारा जो देश है, जो भारतवर्ष है, हमने हमारी संस्कृति को छोड़ करके उनकी संस्कृति को हम खोजने लगे, जबकि वो जो है वो हमारी संस्कृति को खोज रहे हैं। बात ज्योतिष, ज्योतिष सत्य, ज्योतिषी के पास जाकर आपको पूछना ही नहीं आता, अरे ज्योतिषी से पूछा कैसे जाए, ज्योतिषी बताना क्या चाहेगा। ज्योतिषी तभी बताएगा ना जब कोई पूछने वाला हो, पूछने वाले को ये पता होना चाहिए कि पूछना कैसे। हमारे यहाँ जो है 95% ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्योतिषी के पास जाकर क्वेश्चन करना ही नहीं आता, उन्हें पूछना ही नहीं आता। वो क्या करते हैं लोग, जाकर सारी कथा जो है, सारी बात जो है वो आप ही बता देंगे, वो खुद बताएंगे। उनमें से जो ज्योतिषी है वो छांट पाट करके आपको आपकी बातें बता देगा। ये ज्योतिष कथा ही नहीं, ये ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष वो है जब जाकर आपको बोलना ना पड़े। आप क्या बोलोगे, आप अपना जन्म समय जन्म तिथि बताओगे, जन्म समय बताओगे, जन्म तिथि बताओगे, और ज्योतिषी आपको बताएगा कि आप पूछने क्या आए हो, आपका क्वेश्चन क्या है। उस ज्योतिष को मैं ज्योतिष मानता हूं, वही ज्योतिष ज्योतिष है। दूसरी बात, अनेकों लोग दावा करते हैं, अनेकों लोग वादा करते हैं ज्योतिषी ऐसे ज्योतिषी ऐसे, अरे नहीं, ज्योतिष जो है वो साइंस और मैथ का सुमेल है। मैथ और साइंस का सुमेल जो है वो ज्योतिष है। और ये दोनों विषय इतने विशारद हैं, इतने गूढ़ हैं कि हर किसी को इसे समझ लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसकी समझ में ये बात आ गई कि ज्योतिष क्या है, वही ज्योतिष को जान सकता है, वही ज्योतिषी हो सकता है। अन्यथा बातें हैं, बातों से प्रकाश नहीं होता। हजारों साल तक आप दिया दिया कहते रहो, दिए दिया कहने से प्रकाश नहीं होगा, जब दिया जल जाएगा तब ही प्रकाश होगा। इसी प्रकार जब हम सही ज्योतिषी को ढूंढ लेंगे, सही ज्योतिष पे चले जाएंगे, सही ज्योतिष की हमें जानकारी होगी, तब ही हमारे जीवन में ज्योतिष से प्रकाश हो सकता है, अन्यथा प्रकाश नहीं होगा। ज्योतिष जन्म कुंडली को पढ़ना क्या है कि मनुष्य तूने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए, उन कर्मों को पढ़ना ही ज्योतिष है। ज्योतिष क्या है आपको मैं एक एक पल में ज्योतिष बदल रहा है, एक एक पल में ज्योतिष बदल रहा है। ज्योतिष का जो ज्ञान है वो कब पता चलता है, जब आप किसी जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडली ज्योतिषी के पास ले जाकर रख दो। इनमें फर्क एक दो या आधे मिनट के अंतर से जन्मे हुए बच्चों में जो ज्योतिषी अंतर ढूंढ ले कि अंतर क्या होगा, कौन बच्चा सही होगा, किसकी बुद्धि ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसमें सुंदरता ज्यादा है, किसमें कम है, वही ज्योतिषी असल ज्योतिषी है, ऐसा हमें जानना होगा। आज मैं आपके साथ ज्योतिष के प्रति, किसी राशि, किसी ग्रह के प्रति किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ आपके साथ यही बात करूंगा कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष को जाना कैसे जाए, ज्योतिष को पहचाना कैसे जाए, क्या ज्योतिषी बनना मुश्किल है या आसान है। ज्योतिषी
कर्म की गति है। ज्योतिष में जो मनुष्य की जन्म कुंडली में जो योग उत्पन्न होते हैं, मनुष्य की जन्म कुंडली में जो योग उत्पन्न होते हैं, कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं, वो क्यों उत्पन्न होते हैं। जैसा कि एक योग है गुरु चंडाल योग। मान लो कि मनुष्य ने अपने पिछले कुछ कर्मों में गुरु के साथ धोखा कर दिया, गुरु ने चार नियम बताए, अच्छे कर्म करना, किसी का बुरा ना करना, तो मनुष्य ने वो चारों नियम तोड़ दिए, बुरे कर्म किए, दूसरों का बुरा करता रहा, तो उस मनुष्य की कुंडली में जो है गुरु चंडाल योग उत्पन्न हो जाएगा। या मनुष्य गुरु है, किसी ने उसे गुरु मान लिया, मगर उसने अपने लालच के लिए उसे दुष्ट रास्ते पे डाल दिया, तो उस मनुष्य की कुंडली में गुरु चंडाल योग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे हजारों योग हैं, ऐसे हजारों योग हैं जिनमें मनुष्य किसी गरीब के घर में जन्म करके राजा हो सकता है, राजा के घर में जन्म लेने के बाद भी मनुष्य जो है भिखारी हो सकता है। ज्योतिष इस बात की संपूर्ण पुष्टि करता है। ज्योतिष क्या है? आप किसी के परिवार में बैठे हैं, ज्योतिषी लोगों मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना। मान लो आप किसी परिवार में बैठे हो, उस परिवार के सभी सदस्य हैं जो वो धनवान हैं, और वो परिवार के सभी सदस्य आपको जन्म कुंडली दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, सभी की आप जन्म कुंडली देखते जा रहे हो और बोलते जा रहे हो कि सब अच्छा है, ऐसा होगा ऐसा होगा, और उस परिवार में एक नौकर भी है। उस परिवार ने अगर उस नौकर की जन्म कुंडली आपके सामने रख दी, तो इन जन्म कुंडलियों में से आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जन्म कुंडली जो है ये किसी सर्वेंट की है, किसी नौकर की है या किसी अमीर की है। जब आप ये ज्ञान हासिल कर लोगे, यहां तक पहुंच जाओगे, तो आप ज्योतिषी बन जाओगे। ज्योतिषी बनना सागर की गहराई, समुद्र की गहराई है ज्योतिष में। ये तो मनुष्य जीवन भर सीखता जाता है। हरि की कृपा कहीं हो जाए तो सीख समझ में आ सकती है। सीख जो है वो मनुष्य सीख ले सकता है ज्योतिष से। संपूर्ण ज्योतिष ज्ञाता होना, संपूर्ण ज्योतिषी को जानना, ये मनुष्य के वश में नहीं है। और मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो प्रधानमंत्री हमने चुने हैं फिर से, नरेंद्र मोदी जी, आप सभी इंटरनेट के ज्ञाता हैं, इंटरनेट के बारे में आप जानते हैं। तो भीलवाड़ा में आज से चार से छह महीने पहले एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ। उस ज्योतिष सम्मेलन में भीलवाड़ा में पूरे पंजाब में से मैं अकेला था, हरियाणा यूपी अनेक ब्राह्मण वहां पहुंचे हुए थे। तो इन ब्राह्मण बंधुओं ने स्टडी करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप वीडियो इंटरनेट से ढूंढ सकते हो। वहां उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि राजयोग जो है इस वर्ष का वो नरेंद्र मोदी की कुंडली में है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुंडली में नहीं है, वो ज्योतिष है। मैं उस ज्योतिष को ज्योतिष मानता हूं। मेरी बातों का किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। तो ये थे हमारे पंडित जी, अपने धर्म गुरु पंडित जी जितेंद्र जी शर्मा, जो इन्होंने आज बहुत कुछ जानकारी दी हमें। अगले हफ्ते हम दिखा रहे हैं आपको आपकी राशिफल, और आप राशिफल देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अजदी खबर। तो नमस्कार।